बीजेपी सरकार ना तो रोजगार के नए अवसर निकाल पा रही है और ना ही सरकारी क्षेत्र में लाखों खाली पड़े पदों को ही भर पा रही है, ताकि सर्व समाज के शिक्षित लोगों को बेरोजगारी के अभिशाप से कुछ राहत मिल सके और वे अपना सामान्य जीवन जी सके। इस प्रकार किस्म किस्म के अच्छे दिन के सुनहरे सपने दिखाकर वोट लेने वाली बीजेपी की सरकार ने देश की आम जनता का काफी बुरा हाल करके रख दिया है। अर्थात इन्होंने केवल यहाँ कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को छोड़कर किसी का भी भला नहीं किया है। इसके अलावा महिला सुरक्षा व सम्मान के मामले में तो बीजेपी सरकारों की विफलता ऐसी अति चिंतनीय बनी हुई है जिसके लिए देश की जनता उन्हें शायद कभी भी माफ नहीं करेगी। और इनकी सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एंटी रोमियो स्क्वाड तो अब यहाँ केवल हवा हवाई ही बनकर रह गया है। जो इन्होंने दल बनाया तो ये भी अब केवल यहाँ हवा हवाई ही बनकर रह गया है। और साथ ही इनके राज में सरकारी महिला संरक्षण गृहों तक में जो दुर्दशा है तथा वहाँ पर सामूहिक तौर पर उन पर हुई जुर्म जाति व अमानवीयता की घटनाओं का जो पर्दाफाश हुआ है, तो उससे बीजेपी सरकारों की पोल और भी ज्यादा जनता के सामने खुल गई है। उचित तैयारी व सही सूझबूझ के साथ जीएसटी की नई कर व्यवस्था को लागू करने की बजाय केवल आपाधापी में वे काफी अड़ियल तरीके से लागू करने के कारण अब यहाँ खासकर अधिकांश व्यापारी वर्ग में आज भी अफरा तफरी एवं एक प्रकार से अव्यवस्था का माहौल व्याप्त है।